ब्रिटेन के सबसे अमीर परिवार हिंदुजा फैमिली को एक तगड़ा झटका लगा है। प्रकाश हिंदुजा, उनकी पत्नी कमल हिंदुजा, बेटा अजय हिंदुजा और बहू नम्रता हिंदुजा का नाम एक्सप्लॉयटेशन केस में शामिल है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हिंदुजा कौन है और इन पर क्या गंभीर आरोप लगे हैं। हेलो, मैं हूं सिमरन और आप देख रहे हैं स्विच। तो हिंदुजा कौन है? हिंदुजा परिवार अपनी वेल्थ और पावर के लिए जाना जाता है। ये यूके के 350 सबसे वेल्दी लोगों की संडे टाइम्स लिस्ट में टॉप पर है, जिनकी कुल संपत्ति 37 बिलियन पाउंड्स है। इनका बिजनेस एम्पायर, जिसका नाम दी हिंदुजा ग्रुप्स है, ट्रक, लुब्रिकेंट्स, बैंकिंग और केबल टेलीविजन जैसे कई क्षेत्रों में फैला हुआ है। हिंदुजा ग्रुप की स्थापना परमानंद दीपचंद हिंदुजा ने की थी, जिन्होंने अपने मर्चेंट बैंकिंग और ट्रेड बिजनेस को ब्रिटिश इंडिया में शुरू किया था। उसके बाद 1914 में उन्होंने अपने बिजनेस को बॉम्बे मूव कर दिया और 1919 में इन्होंने ईरान में अपना बिजनेस इंटरनेशनली एक्सपैंड किया। उनके बाद उनके बेटों ने अपना बेस 1979 में लंदन शिफ्ट कर दिया, जहां आज भी ग्रुप का मेन हेड ऑफिस है और ग्रुप का दावा है कि वो वर्ल्ड वाइड 2,00,000 लोगों को एम्प्लॉय करते हैं। श्रीचंद पी हिंदुजा, जो कि सबसे बड़े बेटे थे, उन्होंने 1935 में ग्रुप की कमान संभाली और इंडस बैंक के फाउंडर के रूप में भी जाने जाते हैं। उनकी मृत्यु के बाद मई 2023 में गोपी चंद हिंदुजा ने चेयरमैन की कमान संभाली और पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में ग्रुप के वेंचर्स को आगे बढ़ाया और इसी के लिए वो भी पहचाने जाते हैं। हिंदुजा ब्रदर्स में से ही एक हैं प्रकाश हिंदुजा, जिन्होंने साल 2000 में स्विस सिटीजनशिप ले ली थी। उनका परिवार स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में लेक व्यू विला में रहता है। इसी विला में इंडियन ओरिजिन के डोमेस्टिक वर्कर्स को एक्सप्लॉइट किया गया है और ये मुकदमा स्विस कोर्ट में चला। आपको बता दें, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और एक्सप्लॉयटेशन के केस में हिंदुजा फैमिली के चार मेंबर्स जिनका नाम सामने आया है, वो है प्रकाश हिंदुजा, उनकी पत्नी कमल और उनके बेटे अजय और बहू नम्रता, इनका नाम इस केस में सामने आया है। इस केस में फैमिली के बाकी मेंबर्स इंक्लूडिंग गोपी चंद हिंदुजा शामिल नहीं है। इन चार मेंबर्स पर स्विस कोर्ट ने 4 साल 6 महीने का जेल टर्म की सजा सुनाई है ऑन दी चार्जेस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स। हालांकि कोर्ट ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग के चार्ज को डिसमिस कर दिया है। तो आखिर हिंदुजा पर क्या क्या आरोप लगे हैं? स्विस प्रोसिक्यूटर्स के अनुसार परिवार ने कई अवैध और अनएथिकल प्रैक्टिसेस ऐसे किए हैं इन डोमेस्टिक वर्कर्स के ऊपर। जैसे सबसे पहला, कर्मचारियों का शोषण। हिंदुजा परिवार को अपने घरेलू कर्मचारियों से अत्यधिक लंबे समय तक काम करवाने और बहुत कम सैलरी देने का आरोप है। इन्होंने 18 से 19 घंटे काम करवाया और विक्टिम्स को एक दिन की सिर्फ 7 स्विस फ्रांसिस, विच इज़ अराउंड 660 रुपीज़ इन इंडियन करेंसी दिया है। वर्कर्स की सैलरी स्विस सैलरी के हिसाब से काफ़ी कम है। दूसरा आरोप है पासपोर्ट जब्त कर लेना। प्रोसिक्यूटर्स ने यह भी कहा है और आरोप लगाया है कि परिवार ने अपने कर्मचारियों के पासपोर्ट्स को जब्त कर लिया था और कहीं उन्हें आने जाने नहीं देते थे। वर्कर्स को हिंदुजा मेंबर्स ने अपने घर, अपने जेनेवा विला में बंधी बना दिया था। तीसरा आरोप है अवैध रोजगार। कर्मचारियों को बिना ठीक डॉक्यूमेंटेशन के रोजगार दिया गया है, जो स्विस लेबर कानून का उल्लंघन करता है। चौथा, इनह्यूमन बिहेवियर। रिपोर्ट्स में ये भी सामने आया है कि परिवार ने अपने पालतू कुत्ते पर सालाना 8,584 स्विस फ्रैंक यानी 8,00,000 रुपए खर्च किए हैं। वहीं अपने डोमेस्टिक हेल्पर्स को 18 घंटे काम करवाने के बाद प्रतिदिन केवल 7 स्विस फ्रैंक यानी 660 रुपीज दिए गए। एज पर रिपोर्ट्स 2007 में भी प्रकाश हिंदुजा के ऊपर ऐसे ही सिमिलर डोमेस्टिक वायलेंस के चार्जेस लगे थे और उन्हें दोषी ठहराया गया था। अदालत की कार्रवाई के दौरान स्विस प्रोसिक्यूटर येविस बर्तोजा ने हिंदुजा परिवार पर कड़ी निंदा की। बर्तोजा ने सबूत और गवाही के आधार पर 5.5 साल तक की सजा डिमांड की थी। डिफेंस ने दूसरी तरफ ये कहकर अपनी बात रखी कि कर्मचारी इन शर्तों को समझकर स्वयं रूप से, स्वतंत्र रूप से स्वीकार कर चुके थे। उन्होंने ये भी कहा कि कर्मचारी विला छोड़ने के लिए स्वतंत्र थे और उन्हें पर्याप्त लाभ प्राप्त हुए थे। अजय हिंदुजा ने अपने बचाव में कहा कि किसी से 18 घंटे हफ्ते के 7 दिन काम करवाना मूर्खता होगी, क्योंकि वो अपने काम को
ठीक से नहीं कर पाएंगे। इन सब तर्क के बाद भी अदालत ने हिंदुजा परिवार को दोषी पाया और इन चार मेंबर्स को 4 साल 6 महीने की सजा सुनाई। हालांकि जब जजमेंट पास हुआ तब ये चारों हिंदुजा मेंबर्स कोर्ट में मौजूद नहीं थे। तो इस फैसले से क्या हिंदुजा परिवार और उनकी विरासत पर असर पड़ेगा? पहले तो कानूनी लड़ाई जारी रहने की संभावना है, क्योंकि परिवार ने अदालत के फैसले को उच्च अदालत में चुनौती देने का फैसला किया है। जहां तक रही उनके बिजनेस एम्पायर की बात, तो उस पर और क्या डिटेल्स और अपडेट्स आएंगे वो हम आपको स्विच पर बताएंगे। तो स्विच को ज़रूर फॉलो कर लीजिए।